ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगली जानवर इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आम तौर पर जंगली जानवर इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कई बार इनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो इंसानों की बैंड बजाने पर उतर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानवरों के इंसानों पर हमले, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2020 में अमेरिका के साउथ कैलोराइना में फर्नांडो लोसांडो नामी शख्स के घर एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ को भगाने के लिए फर्नांडो के बच्चों ने इस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो ठंडा और शांत होकर वहाँ से भाग जाए। पानी से मगरमच्छ शांत तो नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा गर्मा गया, जिसके चलते उन्होंने फौरन एनिमल रेस्क्यू टीम को बुलाया। खैर, काफी सख्त मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम इस मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब हो गई। ये वाकया उस वक्त देखने को मिला जब मार्च 2018 में थाईलैंड के बैंकॉक में रहने वाले एक शख्स ने अपने घर की जिप्सम से बनी दीवारों में अजीबोगरीब आवाजें सुनी। आवाजें सुनकर उन्होंने दीवार तोड़कर माजरा देखने का इरादा किया, लेकिन जनाब ने जैसे ही दीवार तोड़कर देखा तो यहाँ इन्हें एक 15 फीट लंबा पाइथन देखने को मिला। इस शख्स ने बताया कि इसके घर में एक जगह से थोड़ी सी दीवार टूट गई थी, शायद उसी से वो इनके घर में आया था। नवंबर 2020 के दौरान थाईलैंड के चाचुएंग साहू नामी शख्स के घर ये खतरनाक कोमोडो ड्रैगन देखने को मिला। यहाँ ये कोमोडो ड्रैगन मौका पाकर घर में घुस गया और सोफे के नीचे जाकर बैठ गया, जिसके चलते कोमोडो ड्रैगन को देखकर सभी घर वाले वहाँ से भाग निकले और एनिमल रेस्क्यू टीम की मदद से इसे बाहर निकाला गया। दोस्तों, जुलाई 2018 के दौरान श्रीलंका के कटरगामा में ये वाकया देखने को मिला। हुआ कुछ यूं कि एक बस सड़क पर जा रही थी, लेकिन तभी बस के सामने एक हाथी आकर खड़ा हो जाता है और बस से चोरी करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। शायद हाथी ने बस ड्राइवर के पीछे पड़े केलों को देख लिया था, क्योंकि हाथी ने जैसे ही बस में सूंड मारी वैसे ही उसने केलों पर झपट्टा मारा। ये गनीमत रही कि ये हाथी बस ड्राइवर को नुकसान पहुंचाने के मूड में नहीं था। बाकी अगर हाथी अपनी सूंड से इस ड्राइवर पर जरा भी हमला करता तो इसे काफी गहरी जख्म आ सकते थे। दोस्तों, मगरमच्छ के जबड़े कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं ये तो हम सभी को पता है, इसीलिए इनसे जितनी ज्यादा दूरी बनाकर रखें हमारे लिए उतना ही बेहतर है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप इस वीडियो को जरा देखिए। मई 2015 में अमेरिका के लुसियाना शहर में एक पिकअप ड्राइवर का सामना मगरमच्छ से होता है। ये जनाब कार में थे और इन्होंने सोचा कि आज मगरमच्छ हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे में इसने मगरमच्छ को हल्के में लेते हुए वहीं गाड़ी रोक दी और अंदर से बैठकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस मगरमच्छ ने एक बार फर्जी हमला करके इसे वहां से चले जाने की वार्निंग भी दी थी, लेकिन जनाब तो वहीं मजा लेना चाहते थे। लेकिन कुछ देर तक ड्राइवर यहां से नहीं गया, मगरमच्छ ने इस गाड़ी पर हमला बोल दिया और सिर्फ एक ही बार में बम्पर उखाड़ कर साइड पर रख दिया। खैर, इस ड्राइवर को ये मजा काफी महंगा पड़ा। ये अगला वीडियो तब रिकॉर्ड हुआ जब जून 2013 के दौरान केरिया के मीरू नेशनल पार्क में हाथी का रेगुलर चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम हेलीकॉप्टर में आई। हेलीकॉप्टर को अपने पास देख हाथी घबरा गया और हेलीकॉप्टर के सामने आकर इसने हमला बोल दिया। हाथी ने हेलीकॉप्टर को नीचे गिराने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। काफी वक्त तक जब हाथी शांत नहीं हुआ तो इसे बेहोश करने के लिए डॉक्टर्स ने इस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर किया और इसका चेकअप करने के बाद इसे छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए ये अगला वाकया उस वक्त देखने को मिला जब जुलाई 2016 के दौरान स्पेन के ग्वादलजारा के पास एक सांड बेकाबू हो जाता है और खुली सड़क पर भागने लगता है। हालांकि यहां पर मौजूद सभी लोगों को सांड के आने की खबर पहले ही दे दी गई थी, लेकिन उसी दौरान एक कार में काफी लोग सवार थे और अचानक सांड ने उस कार पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान इन लोगों के तासुरात क्या होंगे वो आप सोच ही सकते हैं। अक्टूबर 2019 के दौरान थाईलैंड के रातशीमा में ये वाकया देखने को मिला।
हुआ कुछ यूं कि एक औरत अपनी कार से जा रही थी, लेकिन उसी दौरान इसकी कार को हाथी ने रोक दिया और इस कार पर हल्का हल्का हमला करने लगा। कुछ देर तक कार को हल्की टकरे मारने के बाद हाथी कार के ऊपर बैठ गया। बहुत इसकी खुशकिस्मती रही कि कार को डेंट और पीछे की विंडशील्ड ही टूटी और बहुत ही ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर यहाँ हाथी ने अपना पूरा जोर लगा दिया होता तो कार समेत ड्राइवर की चटनी बन चुकी होती। इसी तरह कुछ लोग जंगल में घूमने गए थे कि अचानक इनकी कार जंगली भैंसों का दरमियान फंस गई। इनके गाइड ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी कार को जरा भी नहीं हिलाएं। यहाँ से हिलना इनके लिए काफी खतरनाक बन सकता है, लेकिन वो खौफ और घबराहट के आगे अपने आप को भैंसों के आगे रोक नहीं पाए और यहाँ से भाग गए। वो तो इनकी खुशकिस्मती रही कि भैंसे की कार उलटने से पहले ये भाग गए, वरना यहाँ अंजाम काफी खतरनाक हो सकता था। ये अगला वीडियो मई 2019 के दौरान श्रीलंका के जंगलों में रिकॉर्ड हुआ। हुआ कुछ यूं कि हाथी का बच्चा जंगल में घूमते घूमते किसी गड्ढे में जा गिरा और बाहर निकलने में बेबस हो गया। इस बात की खबर मिलने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बच्चे को बचाने के लिए क्रेन के साथ वहां पहुंचे और इसी के साथ गांव के कुछ और भी वहां का माहौल देखने के लिए यहां पहुंच गए। लेकिन हाथी की मां को ज्यादा हजूम से परेशानी होने लगी, जिसके चलते इसने बाइक सवार कपल को कुछ इस तरह भगा दिया। कुछ देर बाद हाथी की मां ने क्रेन और दो तीन लोगों को वहां पर इसके बच्चे को बचाने की इजाज़त दी, जिसके बाद काफी मेहनत से इसके बच्चे को बचा लिया गया। दोस्तों, इस अगले वाक्य में हुआ कुछ यूं कि कुछ दोस्त जंगल के पास बने स्विमिंग पूल में नहाने गए, लेकिन नहाने के दौरान उन्होंने देखा कि पूल की तरफ एक हाथी आ रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से हाथी गुस्से में नहीं था और ना ही वो इनको नुकसान पहुंचाने के मूड में था। वो सिर्फ यहाँ पानी पीने के लिए आया था। हाथी पानी पीकर चला तो गया, लेकिन पूल में नहा रहे लोगों के लिए यह मंजर बहुत ही खौफनाक था। ये सभी फौरन इस वाकये के बाद यहाँ से 9-2-11 हो गए। खौफनाक वाकया जनवरी 2021 के दौरान रोमानिया के शहर प्रीडील में देखने को मिला। कुछ लोग चेयर लिफ्ट का मजा उड़ा रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी नीचे स्केटिंग कर रहा है और इसके पीछे एक भालू हमला करने के लिए लगा पड़ा है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर वो लोग इस आदमी को जल्दी से निकलने के लिए शोर मचाने लगे। पीछे देखकर वो स्केटिंग वाला आदमी बहुत ज्यादा डर गया और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा, लेकिन तभी चेयर लिफ्ट में मौजूद आदमी ने भालू के आगे अपना बैग फेंक दिया। भालू ने जल्दी से इस बैग को पकड़ा और इसे चेक करने लगा, लेकिन तब तक वो आदमी चला गया। सच में इस अनजान शख्स ने इस आदमी की जान बचा ली। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।